रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 19 दिन तक मौत से जंग लड़, सेना में अफसर बना जवान, मां ने सिलाई, भाई ने 300 की नौकरी से करवाई पढ़ाई, न्यू दिल्ली। अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो आप कोई भी जंग जीत लेते हैं। कुछ ऐसा ही सेना में अफसर बनने वाले जेंटलमैन कैडेट राजशेखर के साथ हुआ। 19 दिन आईसीयू में मौत से जंग लड़कर राजशेखर ने न केवल जिंदगी की जंग जीती बल्कि आईएमए में वापसी कर शनिवार को पासिंग आउट परेड से सेना में अफसर बन गए। राजशेखर ने बताया कि उनकी सक्सेस के पीछे उनकी माँ और उनके बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उनके संपर्ण ने आज उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। इसके अलावा आईएमए के उनके अधिकारियों का भी खास रोल रहा है। जीसी राजशेखर को आईएमए में बेस्ट मोटिवेशनल कैडेट अवार्ड से नवाजा गया। तमिलनाडु के रहने वाले जीसी राजशेखर के पिता का देहांत 10वीं की पढ़ाई के दौरान हो गया था, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। परिवार आर्थिक संकट में आ गया, जिसके बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ शांति ने सिलाई शुरू कर दी। बड़े भाई मणिक नड्डन ने पढ़ाई छोड़कर 300 रुपए प्रतिमाह की नौकरी शुरू कर दी। दोनों का मकसद था कि किसी तरह राजशेखर की पढ़ाई पूरी हो जाए। आर्थिक हालात इतने कमजोर थे कि पढ़ाई के दौरान ही राजशेखर इलेक्ट्रिकल की दुकान में पार्ट टाइम जॉब करने लगे। मेहनत से पढ़कर आगे बढ़े और वर्ष 2017 में आईएमए में आर्मी एजुकेशन कोर में एंट्री पाई। जीवन की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई बल्कि इसके बाद शुरू हुई सबसे कठिन परीक्षा। राजशेखर बताते हैं कि एक दिन वे दौड़ लगाते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गए। उन्हें दून के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है। 19 दिन तक जीसी राजशेखर आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। माँ और भाई मिलकर उनकी जिंदगी के लिए दुआ करते रहे, जबकि उनकी बटालियन के अधिकारी उनका हौसला बढ़ाते रहे। आखिरकार 19 दिन की जंग में राजशेखर की जीत हुई। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और इस साल पासिंग आउट परेड में सबके साथ कदम ताल किया। आईएमए से पास आउट होने का उनका सपना पूरा हो गया। जीसी राजशेखर अभी मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं, लेकिन उनका कहना है कि आगे बढ़ने और हालात से लड़ने के लिए शारीरिक नहीं मानसिक स्वस्थता जरूरी है। वह अपने परिवार के पहले फौजी अफसर हैं। आईएमए से बेस्ट मोटिवेशनल कैडेट का अवार्ड पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। आईएमए का प्रशिक्षण बेहद कठिन है। पिछले साल यहाँ प्रशिक्षण के दौरान एक कैडेट की मौत हो गई थी। ऐसे ही हालातों से लड़ने वाले कैडेट राजशेखर का कहना है कि आईएमए का प्रशिक्षण वाकई कठिन है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान आईएमए के अधिकारी आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। उन्होंने सेना में भर्ती होने जा रहे युवाओं को संदेश दिया कि वे शारीरिक के साथ ही मानसिक मजबूती के साथ सेना में भर्ती हों। हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए के फेसबुक पेज को लाइक करें।